गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 15 जुलाई 2020 और आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आप लोगों का वेलकम करती हूं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे आज की बड़ी खबर कि मुकेश अंबानी टाइफून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हुए। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इस तरह इंडिया अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी आगे बढ़ा सकती है। तो इसी तरह की खबरें हमारे करंट अफेयर्स में हैं जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो UPSC सबकी डेट्स आ चुकी हैं और धीरे धीरे MP और छत्तीसगढ़ झांडकर सबकी डेट ऐसे ही आने वाली हैं। तो इसीलिए आप लोग करंट अफेयर्स तो साथ के साथ तैयार करते रहिए कि एन टाइम पे आपको पूरा बंच एक साथ ना पढ़ना पड़े। 7 से 14 जुलाई का जो PDF था वो मैंने अपने सक्सेस मंच पेज, जो कि फेसबुक का पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोनों पे अपलोड कर दिया है। तो आप एक हफ्ते का PDF पूरा वहाँ देख सकते हैं और वहाँ से अपनी रेगुलर स्टडी को जारी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। बाकी मेंस की सीरीज़ एज इट इज़ चल रही है, जैसे चलेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ली सिंग लुंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हमारे सिंगापुर के प्रधानमंत्री। चलिए मैं इसका कलर ले लेती हूँ पेन का, और ये हो गया सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं हमारे। सत्तारूढ़ पीपल एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सिएन लुंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो चलिए सिंगापुर की बात कर लेते हैं। तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो हाल ही में किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले का निपटान कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RP रामचंद्र मेनन ने किया। चलिए हम छत्तीसगढ़ की अब बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और इसकी राजधानी है अटल नगर, जो कि नया रायपुर जिसे कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ये जीता है केसंग डी थोंगडोंग ने। केसंग डी थोंगडोंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अब केसंग डी थोंगडोंग की बात करें तो एक फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने अपने वित्तीय चित्र ची लूपो के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो ये फिल्म भी आप याद रखेंगे कि किसके लिए उन्हें दादा साहब पुरस्कार मिला, तो ची लूपो के लिए उन्हें दादा साहब पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली। विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हाल ही में किसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है IRDAI एडा ने। एक स्टैंडर्ड कोविड विशिष्ट उत्पादक तैयार किया गया और इस पॉलिसी के लाभ 18 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्ति उठा सकेंगे। तो ये बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जैक चार्ल्टन एक फुटबॉलर थे, इंग्लैंड के 1966 विश्व कप के विजेता टीम के सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है और 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानक पुरस्कार आयरिस से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, ये फुटबॉलर थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व मलाला दिवस वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के कारण तालिबान की गोलियों का शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जन्मदिन 12 जुलाई को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मैगजीन ने पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वेलेंटिनो को स्थान मिला है? तो ये मिला है हमारे स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को।
अमेरिकन स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड में पहली बार ट्रांसजेंडर एक मॉडल है वेलेंटिनो, उनको स्थान मिला है। और इस स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को का सर्कुलर जो है 10 लाख का है और इसे 2 बार नेशनल मैगजीन का अवार्ड भी प्राप्त है। तो इस मैगजीन का नाम रखेंगे, याद रखेंगे, और याद रखेंगे कि अमेरिका से पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में कितने करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। तो सीईओ जो हैं गूगल के वो हैं सुंदर पिचई, और सुंदर पिचई इंडियन मूल के हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो 75,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है। साथ ही वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर कौन से नंबर के व्यक्ति बन गए हैं, तो ये बने हैं 7th। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। इस समय भारतीय अरबपति की कुल संपत्ति $69.9 बिलियन है, जबकि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $69.1 बिलियन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, तो ये रूस पहला देश बन गया है। रूस के सिचिनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया और इसके साथ कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रूस ने कहा है कि उसने वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की एक अदालत ने थाईलैंड और किस देश के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में जमानत दे दी है, तो ये दी है नेपाल। मतलब कि थाईलैंड और नेपाल के दो देशों के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात में जमानत दे दी है और उन 75 नागरिकों पर दिशा निर्देश की कथित अवहेलना करके तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आरोप लगाया गया था। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।